नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। दोस्तों, हरिद्वार के बाद अब चमोली के गौचर हवाई पट्टी से जायरोकॉप्टर ने उड़ान भरकर सफल परीक्षण उड़ान पूरा कर लिया है। चमोली में परीक्षण उड़ान सफल होने के बाद अब सैलानी जायरोकॉप्टर से उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का नजदीक से दीदार कर पाएंगे। शनिवार को जायरोकॉप्टर ने हायर हिमालयन रेंज में टेस्ट ड्राइव शुरू कर दिया। जायरोकॉप्टर ने चमोली के गौचर हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया। इस लैंडिंग के साथ ही जायरोकॉप्टर का हरिद्वार से चमोली का परीक्षण उड़ान पूरा हो गया। जायरोकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनी पिछले 3 दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में लगातार परीक्षण उड़ान भर रही है। कंपनी का नाम राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो एयर सफारी कंडक्ट करवाती है। पर्यटन विभाग के साथ कोलैबोरेशन में हमने साउथ एशिया में पहली बार उत्तराखंड में एयर सफारी जायरोकॉप्टर से लॉन्च करी है और कल ये एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली गौचर लैंड हुए हैं। आज ये हिमालय के टेस्ट ट्रायल्स कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो हरिद्वार से ये सारी कनेक्टिविटी बना दी जाएगी और हिमालय दर्शन लॉन्च कर दिया जाएगा 15-20 जनवरी तक। जर्मन तकनीक के इस छोटे जायरोकॉप्टर को फिलहाल जर्मनी के पायलट उड़ा रहे हैं। जर्मनी से खरीदे गए इस जायरोकॉप्टर के लिए राज्य सरकार छोटी हवाई पट्टियां भी बनवाएंगी। चमोली उड़ान सफलतापूर्वक करने के बाद जायरोकॉप्टर ने शनिवार को हायर हिमालयन रेंज में भी परीक्षण उड़ान शुरू की। कंपनी का कहना है कि हिमालयन रेंज में परीक्षण सफल होने के बाद 15 से 20 दिन में हिमालयन रेंज की एयर सफारी शुरू कर दी जाएगी। हिमालयन रेंज के लिए हरिद्वार से जायरोकॉप्टर उड़ेगा। एशिया में पहली बार जायरोकॉप्टर सफारी हो रही है और अब गौचर के बाद आज आपने देखा वो एयरक्राफ्ट उड़कर और आगे गए हैं हायर हिमालयन टेस्ट ट्रायल्स के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हरिद्वार से अब ये सेवा शुरू हो जाएगी और इसमें गौचर, चिनाई सॉर्ट और नैनी सैनी वगैरह सब कनेक्ट करके और पर्यटकों को हिमालय दर्शन कराने जायरोकॉप्टर से लाया जाएंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ शुरू हो रही जायरोकॉप्टर सफारी से उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक उत्तराखंड के उन अनछुए पर्यटन स्थलों तक जा पाएंगे जहां जाना बेहद मुश्किल है। पर्यटन विभाग के मुताबिक राज्य के अन्य इलाकों में भी जायरोकॉप्टर की ट्रायल चल रही है। ब्रेकफास्ट टूरिज्म के तहत शुरू हो रही एयर सफारी की इस योजना में पर्यटक जायरोकॉप्टर से एक जगह उड़ान भरकर हिमालय चोटियों, नदियों और खूबसूरत प्रकृति को देखते हुए मनचाही जगह पहुंच पाएंगे। जायरोकॉप्टर टूरिज्म को उत्तराखंड में एक अनोखी पहल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।